आई मैं यूट्यूब फैमिली आप सबको मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से हैप्पी होली मैं आज होली के लिए एक स्पेशल टिप्स लेके आई हूँ क्योंकि आजकल है ना सिंथेटिक रंग आ गया है वो क्या होता है जल्दी निकलता नहीं है तो कम से कम पाँच छः दिन तो चाहिए सब रंग जाने के लिए कितना भी आप रगड़ रगड़ के आप करो लेकिन रंग जाता नहीं मैं इसीलिए आप एक आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप्स लेके आई हूँ हमारा किचन में रहता है वही सामग्री लेके मैं बना रही हूँ आइए किचन में जाएंगे देखिए एक नींबू लिया नींबू फिर से निकाले से थोड़ा हार्ड है हार्ड है तो आपने ऐसा थोड़ा इसको है ना ठंडा पानी में डाल के रख दीजिए पाँच मिनट तो एकदम जूसी हो जाएगा इसके लिए मैंने अभी लिया है एक बाउल में दो स्पून मैंने बेसन लिया है और दो स्पून मैंने दही लिया है गाढ़ा दही ले लीजिए और देखिए दो स्पून मैंने नारियल का तेल लिया है नारियल का तेल क्या है स्किन को प्रोटेक्शन करता है इसीलिए दो स्पून नारियल का तेल ले लीजिए दो स्पून नारियल का तेल लेने के बाद अभी मैं ले रही हूँ दो स्पून गुलाब जल गुलाब जल भी क्या होता है स्किन के लिए अच्छा रहता है ठंडा देता है इसीलिए मैंने दो स्पून गुलाब जल ले लिया आपके पास है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो नहीं लेकिन गुलाब जल से क्या होता है स्किन अच्छा सॉफ्ट हो जाता है इसीलिए दो स्पून गुलाब जल डाल दिया अभी देखिए पाउंड्स का फेस वॉश है वो है तो डाल सकते हैं इससे क्या हो जाता है एकदम क्लीन हो जाता है हमारा स्किन आपके पास है तो ये डाल सकते हैं नहीं तो आपके पास कौन सा है फेस वॉश वो डाल सकते हैं नहीं तो शैम्पू भी डाल सकते हैं इसको अच्छी तरह अभी आपने देखिए मिक्स कर दीजिए कहाँ पे भी गाठ नहीं दिखना चाहिए तो ये अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए अभी देखिए बॉडी वॉश डाल रही हूँ मैंने दो स्पून आपके पास कौन सा है वो डाल सकते हैं इससे क्या हो जाता है रंग सब निकल जाता है इसीलिए अभी बड़े लोगों के लिए हो गए यही आप छोटा बच्चों लोगों के लिए यूज़ कर रहे थे माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कर दीजिए तो इससे क्या हो जाता है स्किन में है ना अच्छा हो जाता है लेकिन बच्चों लोगों का स्किन है ना सेंसिटिव रहता है इसीलिए उन लोगों के लिए माइल्ड शैम्पू ला डाल दीजिए फेस वॉश या बॉडी वाश डालने के लिए मत जाइए अभी देखिए उसमें मैंने अभी आधा नींबू डाल रही हूँ ये भी स्किन में रंग निकालने के लिए हेल्प कर देता है देखिए मैंने आधा नींबू डाल दिया अभी इसको हमने अच्छी तरह देखिए मिक्स कर देंगे गाठ नहीं होना चाहिए देख लीजिए अभी मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख दिया अभी मैंने नेक्स्ट टिप्स मैंने आपको बता रही हूँ नेल पॉलिश है ना हम लोग लगा देते हैं तो ये रंग खेलने के लिए जाते हैं तब नेल पॉलिश सब खराब हो जाता है एकदम हमारा नाखून सब हार्ड हो जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए मीन्स देखिए पहले आप ऐसे नाखून में नेल पॉलिश लगा दीजिए लगाने के बाद इसका ऊपर आपने वैसलिन लगा दीजिए मेरे पास वैसलिन खत्म हो गया था इसलिए मैंने लिप बाम लगा रही हूँ वे लिप बाम भी लगा सकते हैं नहीं तो वह वा? आपने वैसलिन भी लगा सकते हैं देखिए ऐसा हमने नेल पॉलिश लगाने के बाद थोड़ा सूखने के बाद उसका ऊपर आपने ऐसा लिप बाम नहीं तो वैसलिन लगा सकते इससे क्या हो जाता है हमारा नेल प्रोटेक्ट हो जाता है हमारा रंग इसका ऊपर गिरता है तो भी हमारा नेल अच्छी तरह रहता है इसका कलर शेड खराब नहीं होगा अभी मैंने होली खेलने का पहले कैसे हम स्किन को प्रोटेक्शन करना चाहिए मैं आपको बता रही हूँ देखिए कोकोनट ऑयल मैंने ले लिया है देखिए पहले आप बॉडी में मुंह पे सब अप्लाई कर दीजिए अच्छी तरह ऐसा देख तब क्या हो जाता है हमारा स्किन में है ना रंग चिपकता नहीं है ज़्यादातर देखिए मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ ऐसा हमको कोई भी कलर लगा देते हैं मुँह पे सब देखिए क्योंकि पहले मैंने मेरा स्किन में कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है अभी मैंने उसका ऊपर देखिए रंग लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मैंने कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है इसलिए देखिए रंग ज़्यादातर तो गाढ़ा होकर मेरा स्किन में नहीं पकड़ रहा है इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ पहले आप होली खेलने के लिए जाने का पहले आप है ना थोड़ा नारियल तेल को अच्छी तरह अपने बॉडी में अप्लाई कर दीजिए उसके बाद ही आप जा सकते हैं बच्चे लोगों को भी ऐसे ही स्किन का ऊपर है ना अच्छी तरह नारियल तेल अप्लाई करके उसके बाद ही बच्चों लोगों को आप बेच दीजिए होली खेलने के लिए अदरवाइज आजकल क्या हो गया सिंथेटिक रंग आ गया है एकदम मीन्स स्किन में बहुत अच्छी तरह वो पकड़ लेता है इसीलिए अभी देखिए एक स्क्रबर मैंने ले लिया है अभी इसको रिमूव करके भी दिखाती हूँ देखिए इस देखिए ऐसा आप स्क्रब स्क्रबर से उसको अच्छी तरह देखिए देखिए कितना अच्छा रिमूव होके आ रहा है क्योंकि पहले इसका स्किन का ऊपर मैंने नारियल का तेल अप्लाई किया था इसीलिए देखिए हमारा स्किन में भी कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा कलर का क्योंकि हमने पहले इसमें नारियल का तेल अप्लाई किया था अभी देखिए आपको डेमो पानी में के भी मैं दिखा रही हूँ पूरा कलर तो हमारा स्क्रबर में आ गया है अभी थोड़ा बचा हुआ उसको भी मैंने पानी में के मैंने आपको दिखा रही हूँ देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है देखिए सब स्क्रबर में पकड़ लिया है देखिए अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का है अभी उसको भी हम निकाल देंगे देखिए मैंने डीप क्लीन करने के लिए जा रही हूँ फेशियल जैसा अभी मैंने बना के रखा था क्रीम को अभी मेरा हाथ में डाल के देखिए अभी मेरा हाथ में ये अप्लाई कर दिया है उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह मसाज कर रही हूँ चार मिनट तक याद रखिए बच्चों लोग हैं तो आपने फेस वॉश मत ले लीजिए माइल्ड शैम्पू यूज़ कर दीजिए देख लीजिए इससे क्या हो जाता है हमारा स्किन ग्लो भी हो जाता है और थोड़ा रंग है तो वो भी निकल जाएगा हाथ का एकदम क्लीन होके हमारा हाथ आ जाएगा देखिए कितना इजी है ये सब हमारा किचन में मिलने वाला चीज ही है बाहर जाकर लेने का कोई जरूरत नहीं है देखिए आपको अभी लग रहा है ना कितना स्किन ग्लो हो गया देखिए थोड़ा बचा हुआ कलर वो भी देखिए पानी में कैसे पिंक दिख रहा है ना पानी आपको और हमारा हाथ भी कितना ग्लो हो गया है देखिए ये हमको ब्यूटी पार्लर जाके कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है होम मेड फेशियल तैयार करके ऐसा घर पे बना सकते हैं देखिए कितना इजी है और कितना सिंपल भी है हमारा स्किन में कुछ भी रिएक्शन भी नहीं होगा नहीं है देखिए कितना इजी है हो जाता है पहले सब हम रगड़ रगड़ के इसको निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता था लेकिन अभी देखिए स्किन भी ग्लो हो गया है अभी है ना एक कपड़ा लेके हाथ को अच्छी तरह पोस लीजिए उसके बाद देखिए फिर नारियल का तेल आपने अच्छी तरह अप्लाई करके इसको मसाज कर दीजिए क्योंकि हमारा स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए देखिए कितना अच्छा हो गया है हमने रंग अला ही है ऐसा हमको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है देखिए हाथ से है ना अदरवाइज क्या होता है रंग जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है एक हफ्ता तक ऐसे ही रहेगा ये टिप्स आप फॉलो करके मुझे कमेंट करके बताइए कैसे था बोल के ऐसे ही दूसरा टिप्स में बता रहे हैं बालों के लिए बालों में वह ना कलर गिरता है तो जाने के लिए बहुत दिक्कत है और बाल भी बहुत ड्राई हो जाता है इसीलिए होली खेलने का एक दिन पहले बाल को धो लीजिए और कंडीशनर लगा दीजिए और नेक्स्ट डे आप खेलने के लिए जाते हैं आप हो या बच्चों लोगों के लिए नारियल का तेल अच्छी तरह आप बाल में अप्लाई कर दीजिए उसके बाद ही बच्चों लोगों को खेलने के लिए छोड़ दीजिए ये दूसरा टिप्स है और तीसरा टिप्स मैं बता रही हूँ कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है रंग से इसीलिए हमने डिटर्जेंट पाउडर में हमारा कलर हुआ कपड़ा तीस मिनट तक छोड़ दीजिए उसके बाद उसके बाद अपने कोई भी ब्लीचिंग लिक्विड नहीं तो सोडा डाल के वो पानी के अंदर कपड़े को आधा घंटा रख दीजिए उसके बाद देखिए कितना क्लीन हो जाए कपड़ा भी है ना ऐसे मेरा टिप्स तो आप फॉलो करके देख लीजिए आपको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर